हर हर महादेव। दोस्तों आज की हम कथा आपको बताएंगे, अगर आप किसी की बुराई करते हैं तो आज से ही बुराई करना बंद कर दीजिए। इस कथा में महादेव के कही गई बातों को ध्यान में रखिए। अगर आप अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं और आप अपने सपने को पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो इस वीडियो को जरूर सुनिए। महादेव के द्वारा कही गई बातों को मजाक में मत लीजिएगा, क्योंकि महादेव के इस उपदेश में पुरानी कथाओं से जुड़ी कहानियां हैं, जिसमें आप इस कहानी को सुनकर अपने सपनों की उड़ान कर सकते हैं। आइए हम बिल्कुल देर न करते हुए इस कहानी को हम शुरू करते हैं, सपनों की उड़ान। इस कहानी में हम एक छोटे से गांव की बच्ची की कहानी सुनते हैं, जो अपने सपने को पूरा करने के लिए कठिनाइयों का सामना करती है। एक छोटे से गांव में लक्ष्मी नाम की एक बच्ची रहती थी। वह बहुत ही संवेदनशील और सपनों की दुनिया में खोई रहने वाली थी। लक्ष्मी के दिल में एक सपना था कि वह एक दिन अपने गांव को ऊंचाइयों तक ले जाएगी और उसे खुशहाली और सम्मान की ऊंचाइयां प्राप्त होगी। लक्ष्मी के पास गरीबी के कारण कई कठिनाइयां थी। उसके परिवार को रोजगार की कमी थी और उन्हें बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संघर्ष करना पड़ता था। लेकिन लक्ष्मी नहीं हारी, वह हमेशा अपने सपनों के पीछे लगी रहती थी। उसका पहला कदम उसने शिक्षा में आगे बढ़कर उठाया। गांव में उसके स्कूल नहीं था, लेकिन उसने खुद को पढ़ाई के लिए समर्पित कर दिया। वह दूसरे गांव जाती और पढ़ाई के लिए पूरी मेहनत करती। संघर्ष और कठिनाइयों के बावजूद भी वह अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रही थी। लक्ष्मी की सरलता और मेहनत ने उसे सफलता की ओर ले जाया। उसने अपनी पढ़ाई पूरी की और उच्च शिक्षा हासिल की। जब वह वापस अपने गांव लौटी तो उसने गांव के लिए प्राइवेट स्कूल शुरू कर दिया। वह हर बच्चे को शिक्षित करना चाहती थी। उसका पढ़ाने का तरीका बेहद अनोखा था, जिसके कारण वहां के बच्चे बुद्धिमान बनने लगे। लक्ष्मी के संघर्ष और प्रगति की कथा गांव के लोगों को प्रेरित करने लगी। वह उनकी आदर्श बन गई और उन्होंने भी अपने सपनों की पूर्ति के लिए मेहनत करना शुरू कर दिया। इस तरह लक्ष्मी ने अपने गांव को ऊंचाइयों तक ले जाने में सहायता की और लोगों को सामरिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाया। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें अपने सपनों के पीछे हठता से खड़े होना चाहिए। कठिनाइयों के बावजूद हमें अपनी मेहनत और समर्पण बनाए रखने की आवश्यकता होती है। जब हम अपने सपनों के प्रति विश्वास रखते हैं और मेहनत करते हैं तो हम आपातकाल में भी सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। हर हर महादेव। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो के साथ।